आज सुबह सुबह ना जल्दी से नहा करके किचन में आ गई हूँ। आज खाना बना करके तब पूजा करूंगी, क्योंकि बेटे को जाना है ऑफिस। उसे कढ़ी बहुत पसंद है, 2 दिन से बोल रहा था कढ़ी बना दो, तो फाइनली आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। और अभी लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल बंद है किचन में, तो यहाँ पर फटाफट से कढ़ी बना दे रही हूँ। मिस्टर वर्मा की फरमाइश थी कि आलू गोभी का भुजिया ज़रूर बना देना, काली मिर्च वाला। तो यहाँ पर भुजिया मैं काट करके रखी हूँ और सबको खिलाने के बाद नहा ली हूँ। उसके बाद कपड़ा बदल के फिर मैं पूजा करूँगी। सबसे पहले परिवार का ही पूजा होता है और भूखे चल जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसीलिए सबसे पहले मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। तो और यहाँ पर कढ़ी में तड़का लगाने के लिए सरसों तेल में थोड़ा सा हींग डाली हूँ। हींग जब चटक गया है तो पंचफोरन है, थोड़ा सा जीरा ऊपर से डाली हूँ और देसी मिर्च है। देसी मिर्च ज़्यादा करके डालती हूँ, थोड़ा कढ़ी चटपटा बनता है। और अभी फ्रेश धनिया पत्ता आ रहा है तो डाल दी हूँ। और देखिए कढ़ी कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बिना लहसुन प्याज का भी खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। और मिस्टर वर्मा को कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है और बेटे को कढ़ी मतलब रात में भी रोटी के साथ खोजेगा। और आज बोल रहे हैं कि अलग से दाल बना दो, लेकिन हम बोले अब कढ़ी ही खा लीजिए, क्योंकि आज दिवाली की एक बहुत ही देसी तरीके से मिठाई की रेसिपी की वीडियो शाम तक आ जाएगी, आप लोग वेट कीजिएगा। और यहाँ पर कढ़ी बन गया है और मिर्च जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा करके कढ़ी में डालती हूँ कि थोड़ा कढ़ी चटपटा लगे। और अभी फ्रेश धनिया पत्ता भी आ रहा है। आज का बरी ना बहुत सॉफ्ट बना है। और यहाँ पर चावल भी बन गया है, भुजिया भी बन गया है। और देखिए ये काली मिर्च वाला भुजिया, कल ही गोभी लेकर के आए थे और बोल रहे थे कि भुजिया बना देना, तो थोड़ा सा हरी मिर्च में छौंक करके और काली मिर्च और जीरा पीस करके रखती हूँ डाल करके। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर भुजिया बना दी हूँ। और खीरा का ना अचारी सलाद बोल रहे थे बना देना। और सुबह में आप लोगों को तो मैं दिखाती ही हूँ, सुबह में रोटी बनता ही है। और अगर बेटा पराठा खाता है तो उसके लंच के लिए पराठा भी देती हूँ, तो इसीलिए दिन की लंच थाली में सिर्फ गरम चावल रहता है। और अगर जो रोटी चावल एक साथ खाते हैं ना, तो मतलब चावल के साथ रोटी भी खाते हैं। और यहाँ पर चलिए लगा दी हूँ चावल। तो देखिए ये मैं हाथ से ही संभालती हूँ, और जिस तरह से मतलब आप लोग ने मुझे प्यार दिया है ना, बस उसी तरह से मैं थाली जो लगाई हूँ अब मैं कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म है कढ़ी, और कढ़ी थोड़ा ठंडा होता है तब अच्छा लगता है। और यहाँ पर है आलू गोभी की काली मिर्च वाला भुजिया जो मिस्टर वर्मा को बहुत पसंद है। और ये है अचारी सलाद, सिर्फ खीरा है, खीरा को एकदम से कद्दूकस कर लेना है। और इसमें ना लाल भरवा मिर्च अचार का मसाला मिलाई हूँ, थोड़ा सा काला नमक है, हरी मिर्च है और पूरा से धनिया पत्ता है। ये भी अचार, ये अचारी जो ये खीरे का सलाद है ना बहुत चटपटा लगता है। और दिवाली के बाद ना पूरे विंटर वाला खाना की रेसिपी आएगी, एकदम देसी खाना रहेगा, अलग अलग स्वाद और जायका रहेगा। और साथ में आज अगस्त फूल का बचका भी बना दी हूँ, तो अगस्त फूल अभी और है तो इसमें ना चावल का को पीस करके मैं ज़रूर डाली हूँ। अगस्त फूल के बचका में पड़ता है बेसन के साथ। और जो सिंपल सा मसाला होता है, थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेल, नमक, हल्दी, बस डाल करके सिंपल तरीके से बना दी हूँ। एक हरी मिर्च है, नींबू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ी ऑलरेडी खट्टा है, तो चलिए उनको दे देती हूँ। लेकिन कढ़ी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं और आधा कढ़ी निकलवा दिए हैं, बोले कि कढ़ी हमको कम दो। दाल रहता है तो दाल मतलब 2 कटोरा खा लेंगे, लेकिन कढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद पड़ता है। और एक चीज़ और है ना कि यहाँ पे टेबल पे नहीं खाना खाना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि मेरा अपना टेबल है ना वहीं पे लगा दो, तो चलिए वहाँ पे लगा देते हैं। और आज फिर दिवाली की मिठाई भी बनानी है, सबको खिला विला के किचन साफ करके जाऊँगी मिठाई बनाने के लिए। शाम तक वीडियो का आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए उनका खाना जो है ना उनका अपना फेवरेट टेबल पे दे देती हूँ। सब काम हो गया तो सारा देखिए यहाँ पर सब बर्तन वगैरह धो ली हूँ, मिठाई देसी टिपिकल मिठाई में दिखा रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। और बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास के भी है ना उन लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ पर हम लोगों को करीब 17 से 18 साल हो गए रहते हुए, बहुत लोग अपने फैमिली जैसा हो गए हैं, तो उन लोगों का भी कमेंट्स आने लगा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का भी इतना प्यार मिल रहा है। और जो मैं देसी खाना बनाती हूँ टिपिकल एकदम जो गांव देहात से निकाल करके अपनी थाली में जो रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो अब घर में भी लोग बोलने लगे हैं कि देखो लीना कितना अच्छा से मतलब मिस्टर वर्मा को खाना निकालती है, तो तुम भी चोखा बनाओ, चटनी बनाओ, तो इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। तो चलिए अच्छा लगता है, बस आप लोगों का प्यार है जो मुझे इतना एनर्जेटिक बना के रखता है। तो चलिए बिल्कुल देसी टिपिकल मिठाई भी मैं दिखा रही हूँ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दे। आप लोगों के चलते मैं दिन में शूट की हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सा देखिए ये मतलब कलर करवाई हूँ ना, तो ये लाइट बहुत मतलब वोल्टेज कम है,
बच्चे इतना बिजी हो गए हैं ना, एक बच्चा को फुर्सत नहीं, एक बच्चा दिल्ली से आया नहीं है उसको भी फुर्सत नहीं है। तो जो भी मान लीजिए कि एक दो काम भी होता है ना तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मिस्टर वर्मा बस सब्जी, अब देखिए एज के साथ साथ सब लोग को थकान हो जाता है, फोर्थ फ्लोर पे चढ़ना होता है ना, तो सुबह का सब्जी वगैरह लाते हैं, उसके बाद से फिर हम कोई और काम नहीं बोलते हैं, घर का तो काम होता ही रहता। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। और यहाँ पर देखिए हाफ के जी है मैदा, और मैदा निकाल ले रही हूँ एक बर्तन में। तो रिस्पेक्टेड लिली झा जी का भी कमेंट्स आ गया है कि जो भी आप मैदा का डो वगैरह तैयार करते हैं ना तो अंदर में घी का ही मोयन डालें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के सुझाव जो रहते हैं ना तो मैं ज़रूर अपनी रेसिपी में मतलब दिखाती हूँ। तो घी को सबसे पहले मैं मेल्ट कर ले रही हूँ, जितना मोयन के अकॉर्डिंग, जितना आपको मोयन चाहिए। दो से तीन तरह की आज मिठाई दिखाने वाली हूँ, लेकिन इस मिठाई का नाम आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि इस मिठाई को क्या बोलते हैं। और यहाँ पर चलिए धीरे धीरे करके जितना भी घी है ना डाल डाल करके, और एक अच्छा सा हम जिस तरह से खास्ता गुजिया बनाते हैं ना उसी तरह से दो तैयार कर लेना है। और ये बर्तन में ना उतना अच्छा से ये इसका जो है परफेक्ट डो नहीं तैयार होगा। खास्ता बनाने के लिए यहाँ पर बड़ा सा थाली ले रही हूँ, तो कढ़ाई में जितना भी घी है डाल डाल करके इसको हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे चाशनी हम तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 कटोरी चीनी, और आधा किलो मैदा के अकॉर्डिंग 1.5 कटोरी चीनी डाल करके, और आधा कटोरी इसमें दूध डाल दी हूँ। दूध इसीलिए डालना है ना कि ऊपर में जो भी झाग रहता है ना, चीनी का जो गंदगी रहता है ना, वो दूध से निकल जाता है। और यहाँ पर 10 मिनट के बाद फिर से डो को बहुत अच्छी तरह से मसल के हम तैयार कर लेंगे। तो ये जो इसको तीन भाग में कर रही हूँ, तो और यहाँ पर फूड कलर मैं डाल रही हूँ, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हरा रंग और एक लाल रंग है। तो देखिए इसमें ना मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये लाल रंग डाली हूँ ना फिर से इसमें थोड़ा सा हरा भी डाल दूँगी, और ये ना बहुत अच्छा कलर निखर करके आता है जब मैं बेलूँगी तब आप देखिएगा। तो दोनों चलिए कलर डाल करके अच्छी तरह से मिला करके एक तरफ मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर चाशनी को बस एक तार का बना लेना है। तो देखिए दूध डालने से ना ये सारा झाग निकल जाता है, इससे ना बहुत कड़वा लगता है जो भी चाशनी हम तैयार करेंगे, तो इसीलिए झाग को निकालना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा लग रहा है कि चाशनी और गाढ़ा होगा। और यहाँ पर चलिए तब तक हम निकाल लेते हैं, ये है सुधा का मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी, और 1 कटोरी है यहाँ पर नारियल का बुरा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। तो दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। और यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कटोरी चीनी, और 5 से 6 इलायची का यहाँ पर दाना है। तो चलिए सबको मिक्सी में बस थोड़ा सा चला लेना है। और यहाँ पर देखिए ये चीनी और नारियल का जो बुरादा है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट जो है, सब मिल्क पाउडर में अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसमें ना मैं मलाई का यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा दूध है और ये ताज़ा दूध का मलाई है, मैं जमा करके रखी हूँ। और ये मलाई को पूरा डाल देना है, और ये मलाई वाला ना इसका एकदम से डो तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको हल्के हल्के हाथों से हम मिला लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। और इस मिठाई को ना एकदम देसी मिठाई है, और इसको चंद्रकला भी बोल सकते हैं, गुजिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 2 से 3 तरह का मैं बना रही हूँ, आप लोग ना इसका नाम सजेस्ट कीजिएगा कि मैं इसका नाम क्या रखूँ। और यहाँ पर चलिए कटोरी में निकाल ले रही हूँ, और निकालने के बाद अब जो भी हम डो रखे थे ना, तो सबसे पहले ये वाला जो डो है ना इसका इक्वल साइज हम तैयार कर लेंगे। उससे पहले ना एक बार और मसल के तैयार कर लीजिए। और घी का मोयन से ना बहुत ही खास्ता और बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर चलिए इक्वल हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं मिठाई की रेसिपी दिखाने के चलते मैं दिन की लाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ, रात में अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो एकदम मतलब जो भी अच्छा भी रेसिपी रहता है ना तो वो क्लियर नहीं नज़र आ पाता है, क्योंकि सिंपल मोबाइल से ही शूट करती हूँ। तो एक एक डो ले करके क्या करना है ना कि इस तरह से लंबा हमको बेलना है, देखिए, और हाफ को क्या करना है ना बीच में प्रेस कर देना है, और किनारे से दोनों को दबा देना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका जो है ना डिज़ाइन तैयार होता है। और बीच का जो पार्ट है ना उसमें जो भी हम यहाँ पर डो तैयार किए हैं, मलाई और ये दूध वाला,
तो इसको डाल देना है। और डाल करके ना चाहे तो आप ना ये मैदा का घोल से आप उसको साटे, नहीं तो मैं हाथ से ही साट दूंगी, लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो एकदम हाथ से जिस तरह से गुजिया आप बनाते हैं ना, तो प्रेस करके डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे तो उस तरह से डिज़ाइन बना ले। मैं तो सिंपल से यहाँ पर प्रेस करके दबा दे रही हूँ, देखिएगा हल्का सा नाइफ से डिज़ाइन कर रही हूँ। तो ये डिज़ाइन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे चाकू से कटिंग करने के बाद ये कटिंग अभी उतना डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन देखिएगा ये डिज़ाइन बहुत सुंदर निकल के आएगा। बस किनारे से बस हल्का हल्का दोनों उंगली से प्रेस कर दे तो ऊपर में बड़ा अच्छा डिज़ाइन निकल करके आता है। तो अब क्या करेंगे, जो भी हम खोआ भरे हैं ना उसको बीच में हम राउंड में पेस्ट करेंगे, और चारों तरफ से ये जो डिज़ाइन है ना हल्का हल्का नाइफ से यहाँ पर भी डिज़ाइन कर दे रही हूँ, और ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। देखिए बनाते तो सब लोग मिठाई है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दीजिए, देखने में भी अच्छा लगता है और प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगता है। और जो भी नीचे का जो डिज़ाइन है ना, तो इस तरह से मोड़ करके पीछे से आप साट दे तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए एक एक करके सारा मैं इस तरह से डिज़ाइन निकाल लेती हूँ, तो दो तीन बार मैं दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। और चाहे तो और भी इससे पतला आप बना सकते हैं, लेकिन ये इतना चौड़ा मैं रखी हूँ ना कि नीचे से जो भी डिज़ाइन बनाऊंगी ना तो उसका जो डिज़ाइन है ना और भी निखर कर क्या। तो चलिए देखिए बीच से फिर से मैं प्रेस कर दे रही हूँ, किनारे से इसको एकदम डबल लेयर कर देना है, और बीच का जो पार्ट है उसमें फिर खोआ भर देना है। और मैं मलाई यूज़ की हूँ, मलाई से और भी अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए इसको फिर से, चलिए इसको बीच में हम दोनों तरफ से साट देंगे और फिर से राउंड राउंड कर देंगे। लेकिन इसको डिजाइन इस तरह से नाइफ से, चाहे तो आप कोई सा भी फोक से भी डिजाइन कर सकते हैं। और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप लोग विजिट कर ले, बहुत सारे इस तरह के मैं डिज़ाइन वाला गुजिया भी बनाई हूँ। और जैसे होली स्पेशल जो भी मिठाई बनाती हूँ उसमें भी एक से एक डिज़ाइन की मिठाई भी है। लेकिन दिवाली में इतना काम हो जाता है ना कि मैं मतलब बहुत समय निकाल के, देखिए आज छोटी दिवाली है तो मैं शेयर कर रही हूँ, दिन में भी खाना पीना हो गया और समय निकाल निकाल करके बस मुझे फटाफट से सारा रेसिपी भी बनाना है, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल जो भी हम खाना पीना बनाते हैं, और हिंदू धर्म में पर्व त्यौहार का एक अपना ही उल्लास और उमंग रहता है, तो उसमें मतलब अच्छा भी लगता है। तरह तरह के नमकीन वगैरह नहीं बनाइए तो लगता है कि जैसे पर्व है ही नहीं, तो इसीलिए सारा कुछ चार दिन से पहले से लोग बनाते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है ना, तो चलिए मोड़ मोड़ करके और नीचे से और प्रेस कर दें, नहीं तो छानने समय ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बन करके तैयार है, और एक एक करके समय बनाते जा रही हूँ, और धीरे धीरे ना मतलब इसका जो डिज़ाइन और भी परफेक्ट बनते जा रहा है। फर्स्ट बार क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन आपको मतलब उतना नहीं उभरेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सारा डिज़ाइन और भी एक पर एक देखिए निकल गया है। यहाँ पर चाशनी भी तैयार हो गया है, तो देखिए ये झाग है ना थोड़ा सा और मैं निकाल दूँगी, एक तार का चाशनी बनाना है। तो चलिए इसको उतार करके मैं अब रख देती हूँ, और अब जो कलरफुल जो डो है ना तो उसका भी एकदम इक्वल में हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं जैसे लाल है तो उसमें थोड़ा सा हरा मिलाई हूँ, हरा का क्वांटिटी कम है लाल का ज़्यादा है, और जहाँ पे हरा है ना वहाँ पे हल्का हल्का बीच में लाल ही मिलाई हूँ। तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन, देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत निकल करके आया है। तो दिवाली और होली में थोड़ा सा कलरफुल मिठाइयाँ भी अच्छी लगती है। तो देखिए छेना का भी बहुत सारा मिठाई में मतलब मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई। यहाँ पर एकदम इक्वल साइज में बीच से लेयर कर देना है। जो लोग बहुत सारा इस तरह की नमकीन वगैरह बनाए उन लोगों को आइडिया होगा, लेकिन ये रेसिपी मैं थोड़ा अलग बना रही हूँ। तो इसको बस गोल गोल कर करके नीचे से प्रेस कर देना है, और देखिए ये जो रेड वाला है ना इसमें भी हल्का हल्का हरा भी मैं मिला दी हूँ, तो वाइट हरा और रेड का इसका भी कलर बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए एकदम इक्वल साइज में, किनारे किनारे से कट नहीं लगाइएगा, नहीं तो बस बीच से एकदम कट लगाना है, किनारे में ज्वाइंट रखिएगा। और देखिए इतना सारा मेरा बन गया है। तो देखिए मेरा स्लैब एकदम साफ़ सुथरा है, क्योंकि दिन के खाना वगैरह बनाने के बाद ये पूरा मैं साफ़ सुथरा की हूँ, आप लोग ऐसा नहीं बोलिएगा कि नीचे रख रही है। और देखिए इस तरह से राउंड राउंड में एकदम कर देना है। उसके बाद इसको क्या करना है कि देखिए अंदर से निकाल करके और बस उसी के शेप में हम एकदम मिला देंगे, और बीच में ना जो भी बचा हुआ डो है ना तो उसका हम गोल गोल करके बीच में साट देंगे। तो एक तो डिज़ाइन भी अच्छा निकल जाता है, इसका लेयर वाला भी बनता है। दिवाली के बाद भी मैं अगर बोलिएगा तो और भी इस तरह की रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और चलिए सब में इस तरह से बीच में भी लगा देंगे, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको देखिए एक बड़ा मैं
और यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम हम रखेंगे। अब मैं रिफाइन में ही छान रही हूँ और एकदम हल्का ही गरम तेल में डालेंगे। और बहुत ज़्यादा गरम तेल में डालिएगा ना तो ऊपर से जल जाएगा, नीचे से कच्चा रह जाएगा। एकदम खास्ता इसको छानना है। तो चलिए एक एक करके, इसमें तेल बहुत है तो चलिए दोनों कलर का हम एक साथ डाल देते हैं। अच्छी तरह से किनारे से आप मोड़िएगा ना तो ये निकलेगा नहीं। और छानने के बाद देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सब जो रेसिपी होता है ना, ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, सब घर में लोग तरह तरह से पकवान बनाते हैं। और होली में हम लोग विशेष करके पुआ ज़रूर बनाते हैं। तो पुआ की 3 से 4 तरह की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। खोआ भर के भी पुआ बनाई हूँ, बहुत तरीके से पुआ के भी रेसिपी दिखाई हूँ, लेकिन बिल्कुल देसी तरीका, कोई न्यू तरीका नहीं होता है। जितना पुराने ज़माने में लोग बनाते थे ना, एकदम से स्वादिष्ट रेसिपी, बस वही दिखाती हूँ। कोई भी नया तरीका जो होता है ना वो नहीं है। तो देखिए बनने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। एक हमारी सिस्टर का कमेंट्स आ गया था कि जो भी पूरी तलती है, चाहे कोई भी चीज़ फ्राई करती है, तो नीचे नैपकिन ज़रूर रख लें। तो देखिए आप लोगों के कोई कोई मतलब अच्छा जो टिप्स रहता है उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। अब चलिए सारा जितना भी यहाँ पर बनाई हूँ इसका नाम बताइएगा आप लोग। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक चलिए जितना मैं छानी हूँ ना तो यहाँ पे चाशनी में डिप कर देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तभी हम निकालेंगे, जिसमें ये जो है ना चाशनी अच्छी तरह से पी लें। तो अब अंदर से बहुत ही जूसी बनेगा, मैं लास्ट में तोड़ के ही दिखाऊंगी। तो देखिए थोड़ा सा ये किनारे से निकल गया है, अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ था और दिल लग रहा है ना कितना खूबसूरत देखने में। खासकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो उनको बहुत पसंद आएगा। 5 मिनट छोड़ने के बाद ये अंदर तक चाशनी जो है ना एकदम ये पी लिया है और बहुत ही जूसी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तो ये तैयार हो गया है, तो एक एक करके यहाँ पर डाल देंगे और एकदम धीमी ही आँच रखें। धीमी धीमी आँच पर बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगा और ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो मेरा नमकीन बन गया, मठरी बन गया, चीज़ी नमकीन। अगर आप लोग नमकीन की रेसिपी नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर विज़िट कर लें। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ, लेयर वाला नमकीन है, चीज़ी नमकीन है और मिक्सर है, सब घर पे ही बनाई हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरा सब बन गया, बस ये लास्ट मेरा ये बाकी था। तो चलिए ये देखिए फ्राई होने के बाद ये बहुत ही फुल गया है, घी का जो मोयन है ना। तो चलिए एक एक करके इसको चाशनी में हम डाल देते हैं। चाशनी में डाल करके इसको भी 5 मिनट हम छोड़ देंगे और जब ये चाशनी के अंदर तक जाएगा ना तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो जो भी मैं अंदर का डो तैयार की हूँ तो उसके लिए मैं 2 दिन से मलाई जमा कर रही थी। मलाई से ना मतलब ये अंदर का जो फीलिंग है ना और भी स्वादिष्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी फुल के कितना अच्छा हो गया है ना। तो देखिए जो भी रेसिपी है वही है, थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। जैसे लौकी की ही सब्जी सब लोग बनाते हैं, मैं लौकी लहसुन का एकदम यूनिक सब्जी दिखाई हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे रेसिपी मैं दिखाई हूँ ना, सब लोग बोलते हैं बहुत सिंपल खाना बनाती है, लेकिन जो देसी सब्जी है ना बहुत ही एकदम देसी तरीके से। और शायद यूट्यूब में 3-4 मेरी रेसिपी वायरल भी हुई है और बहुत ही अलग तरीके से दिखाई हूँ। और यहाँ पर चलिए एक एक करके मेरा सारा बन गया है, तो एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ और ऊपर से आप गार्निशिंग कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता है और बादाम है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी रेसिपी दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर लगा दे रही हूँ पिस्ता और बादाम। बनाते बनाते फिर से रात हो गई है तो फिर से देखिए इसका कलर जो है ना बिल्कुल अलग लग रहा है। और दिवाली के बाद थोड़ा सा बड़ा लाइट बनाऊंगी कुकिंग वीडियो के लिए। तो चलिए यहाँ पर ये बन गया है और आज है छोटी दिवाली। फिर मैं नहा फीच करके आ गई हूँ, आज घी का दिया जलता है और यहाँ पर तुलसी मैया के सामने भी दिया जलाई हूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं जितनी भी हमारी फैमिली है। और मिलती हूँ कल एक अच्छे से दिवाली ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।